नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नून। शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच ठन गई है। दोनों पार्टियों की ओर से आए ताजा बयानों के बाद गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक शिवसेना लोकसभा चुनाव से पहले तय हुए 50-50 के फॉर्मूले पर रजामंदी नहीं होगी। बीजेपी ने शिवसेना को 108 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, जिसे शिवसेना ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पाक की ओर से फिर आई गीदड़ भभकी, एटमी हमले की दी धमकी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को एटमी हमले की गीदड़ भभकी देते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के मुद्दे पर अपना पुराना राग अलापा। पाक की जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पीओके में हम तैयार हैं। दोनों राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर यह मामला युद्ध तक जाता है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। इमरान खान ने यूएन के जनरल असेंबली में कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने की बात कही। बिजली के तारों में उलझकर प्राइवेट प्लेन क्रैश, पायलट सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चार्टर कंपनी का प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। मंगलवार को धनीपुर हवाई पट्टी पर हुए इस हादसे में सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान बिजली के तारों में उलझकर विमान जमीन पर गिर गया। प्लेन जैसे ही अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी पर लैंडिंग कर रहा था, उसी समय वह बिजली के तारों में उलझ गया। ये विमान अलीगढ़ मेंटेनेंस के लिए आया था। सरकार को 1.76 लाख करोड़ देगा आरबीआई, राहुल बोले खजाने की चोरी काम नहीं आएगी। रिजर्व बैंक ने अपने खजाने से मोदी सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। आरबीआई के इस फैसले से विपक्ष नाराज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जो आर्थिक संकट पैदा किया है, उसे वह खत्म नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब आरबीआई से खजाने की चोरी काम नहीं आएगी। ये किसी डिस्पेंसरी से बैंडेड चुराकर गोली के जख्म पर लगाने जैसा है, जो काम नहीं आएगी। राजस्थान छात्र संघ के चुनाव आज दोपहर 1 बजे तक होगी वोटिंग। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए वोट मंगलवार को डाले जाएंगे। आज दोपहर 1 बजे तक वोटिंग होगी। कैंपस की इस जंग का परिणाम बुधवार शाम घोषित किया जाएगा। छात्र संघ अध्यक्ष के लिए 5 दावेदार मैदान में हैं। एनएसयूआई ने उत्तम चौधरी और एबीवीपी ने अमित कुमार बड़बड़वाल को अध्यक्ष पद प्रत्याशी बनाए हैं। एनएसयूआई के बागी मुकेश चौधरी और पूजा वर्मा भी मैदान में हैं। वहीं मंजीत बड़सरा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।